बाबू की शादी की सब शादी से पहले की जो रश्मि थी मंडप वगैरह वो सब इन्हें लगाए गए जी। सामने उनका स्टोर रूम था, बर्तन वगैरह रखते हैं, गैस वगैरह मंदिर। और ये यहाँ के उद्योगपति नानजी कालिदास मेहता ने बने और बापू की परमिशन लेके बने। 1945 में इसका काम शुरू हुआ और 1950 में खत्म हुआ। तब तक बापू हमारे बीच नहीं थे, सो उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए इसकी हाइट 79 फीट बनी थी। सर्व धर्म सभा, तो आपको इस पूरे कीर्ति मंदिर में सभी धर्मों के सिंबल देखने को मिलेंगे। जैसे सर ये बालकनी में स्वस्तिक सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, बीच में पारसी का अग्नि, ध्वजदंड के पास भोज के पेगोड़े और जाली है इस्लाम, और ये मंदिर है उन पे छोटे छोटे दीपक हैं प्रज्वलित दीपक। बापू ने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया था, तो ये प्रज्वलित दीपक और वो भी 79 मुझे कितनी मिली आई संग संख्योग और बापू बाई काश बनी मोड़ बने। तो 1950 में जब वो साउथ अफ्रीका से परमानेंटली इंडिया गए तो उनकी काश मेरे मोड़ बने, उनके सामने के लिए जुलूस दिखाता था। ये कुछ फोटोग्राफ्स उस जुलूस और ऊपर पहले दोनों को उनके आध्यात्मिक गुरु श्री मदनाथ जी ने जी बापू का फिर ये उनके फादर का मेडिटेशन रूम, दश अवतारी विष्णु जी का वॉल पेंटिंग सर, फिर ये उनका स्टडी रूम, फिर ये सिटिंग रूम बैठक कक्ष विद लॉकर, ये जनरल डाइनिंग एरिया था, जनरल किचन सर। इस घर में छोटे बड़े कुल मिला के 22 कमरे थे, 22 कमरे का मकान है सर ये, और ये ASI के अंडर में। अच्छा जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पीछे कस्तूरबा का मायका है वो भी ASI के अंदर में, और ये कीर्ति मंदिर है वो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है। आई